दंता आक्रमण में दुई मृत संबलपुर सदर रेंज झांकरपाली सेक्शन अंतर्गत कुढ़ेनेसा गाँव में देखा मिली एभली अभावन घटना घटनास्थल में जनकर मृत्यु होता बेले अन्य जनकर संबलपुर जिला मुख्य चिकित्सालय में मृत्यु घटे मृतक मैंने अताबिरा ब्लक जुनियन गाँव तेलेंगा ओराम और जयलाल मिधि बोली जहाँ जमापड़ी तेज खबर पाई सदर रेंज कर्मचारी घटनास्थल को पहुंची स्थिति अनुधान करते सूचना जे दुई मृत व्यक्ति एका ठिया हो संस्था पक्षर कार्य करुले तेरे उभय सोइथिबा घर को दंता आक्रमण करी घर भांगिबा सह दुही को दळी देथिबा सूचना रही तेरे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी प्रतिनिधि ज्योति नंद अच्छा ज्योति जो भाई भाव में दंता मैंने पूरापूरी गाँ मुहाँ होती क्योंठा क्योंकि जनक जनक जीवन जाऊँगी तेज वन विभाग कार्यकर्ता सब बड़ प्रश्नवाजी उठू तेज घटनास्थल वन विभाग कर्मचारी पहुँचल देखते विस्मी गत काल जो विलंबित राति जो घटना घटी जो मानेश्वर ब्लॉक अंचल जो मानेश्वर एरिया जो रही दुईज मृत्यु घटी जनता आक्रमण करदेला जो घर शोले से घर को प्रवेश करु गोटे भी समय सहित अच्छा जो मैंने जो गोटे गृह तीन जन शोले कि दुईज मृत्यु जो मैंने आउ जन जो शोले सहित से मतलब आक्रमण करवा जो हाथी आसे से बाहर को बोलिए सीधा सल मुझे सहित आलोचना करवा सीधा सल पचारि जो घटनाटा कमी कौन थी कमी भाव में घटना है आगे आप ना कहूँ तो जे कल राती जे अपन सुई देले हाथी आसला केन दा का मन ना कहबे मन ना श्याम सुंदर माझी आया तब 7 बजे निके हाथी पहुंचेला हला से दिल को सुई पड़ देले आ मई भी मते झुमरा लाग दिला न जे टिके टिके झुमरा हि बचला न घर को जेना कड़काड़ कड़हाड़ कला बेले मो देखी पगाली बेले मैं किल्ले गोई ना पालने बाहरी गुरी पलाली आ से जागो से किदरी खाला सुरा किनरी कि मारू थे मुझे पलाली कि मत तारू छाड़ी देकर मत कुदाला गोटे घर भवरे पूरा किनरी देकर रास्ता के आनी आला तापर मैं गोटे गजमूल जाकरा कुंदी कली गला लोक आसिले लोक डका हका है किसी ना 300 लोक थी सब खेदा खुदी कल ना मानला ना मानिक जनकर घर बिलकुल धसकाला धान बस्ते धाला पलाला हाथी आक्रमण कला आप मैंने पार्टितुंड कले गाँ सारा लोग भी आसे तो वन विभाग आसी फरेस्टर आसी फरेस्टर आसी पुलिस भी जाइए आज्ञा आम वन रखी चौरासी मान भी जाइए आम पुलिस पार्टी भी पहुँचले तापर से नीस कर लास्ट के उठाले आज्ञा जेन दुज मिले दुज ना कह से कैन आसूल कण कर हाँ आम तीन लोक जूनियन आसती आज्ञा आई लोग जनकर ना तेलंगा उराम बोलसुँ आओ जन आओ हीराधार हीरालाल मिर्धा आम तीन लोक जाइलु से दु लोग मृत्यु हेल्ले मुझे बड़ा तसर पार हो गली विस्मी में जहाँ सहित आलोचना करे निजे निज आखिरे देखुले निजे से घटनार मैंने सम्मुखें थे से निजे सम्मुखें घटना घटी था जिते बेले तीन जन शोला समय जो दंता हाथी आक्रमण कर निज जीवन को बचाई से दौड़ी चली जाते गाँ मुखा को गाँ लोक से समय आसते कि दुईज से जापारे से दुई दंता हाथी आक्रमण कर जड़े घटनास्थल में मृत्यु घटी था आ जन को संबलपुर मुख्य चिकित्सालय अणाइले से चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी कि दुईज नाम बर्तमान स्पष्ट भाव सामना को आसू जो तेलेंगा कुजूर जनक ना आ जन अच्छा हीलालाल मिर्धा आ मुझे सीधा आज देखते सीधा आलोचना करेंगे जे तेलेंगा कुजूर जी अच्छा स्त्री मत खबर दिगला गाँव को से मैंने अच्छा बरगड़ अंचल बरगड़ जिला अताबिरा ब्लक रुणीपाली ग्रामर तक स्त्री अच्छा सीधा सीधा आलोचना कर घटना केमी खबर पाइले खबर किए दे तुम ना इटा ई माने न कहले गो इ मिर्धा माने न हमको कहले जे आइलु हमको डाकी जाइले राति 7-8 बजे राति हमको डाकी जाइले जे जानलु ना हमें के जानतु गो घरे थिलु बोले हाथी मारी दे छे बोले हाँ हाथी मारी दे छे बोले बोले बुआ के घटना हेले एंता दुदी लोक बोली मुई पाखे पाखे सुई थी बोले घिची थी बा हाँ मन तो बसनी मिर्धा फॉरेस्ट वाले फोन कले हाथी मारी दे छे आस बोले बोले सुनलु बोले तेरू गाड़ी रिजर्व कलु आर आसलु
ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଯେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯାହା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ହେଉଛନ୍ତି ସାଲମି କୁଜୁର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗା କୁଜୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ହୀରାଲାଲ ମିର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମିର୍ଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ ମିର୍ଦ୍ଧା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ରୁଣିପାଲି ଗ୍ରାମର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଶବଗୃହ ରଖାଯାଇଛି, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜ୍ୟୋତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ପଲ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ହାତୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।